आवाज उठाने के नाम पर हम इतना कर सकते हैं कि दबी हुई आवाज में हम बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमको यहाँ से कोई उठाकर किसी जेल में बंद कर दे और ये सवाल पूछ दे कि तुम आरा के सदर अस्पताल में कर क्या रहे थे। लेकिन जनाब हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, कोविड वार्ड में नहीं गए, लेकिन कोविड वार्ड के बाहर फिर एक चचा मिल गया। चचा ने कहा कि ना यहाँ डॉक्टर हैं, इनके पिताजी अंदर भर्ती हैं, उनके पास ऐसा कोई नर्स और डॉक्टर भी नहीं दिया गया जो ऑक्सीजन का लेवल कम और ज़्यादा कर सके, ये सब काम ये लोग खुद करते हैं। चचा ने कहा कि कोई देखने वाला नहीं है, कभी भी कोई डॉक्टर या नर्स निगरानी में नहीं आते हैं। और जब हम फिर चुप हो गए तो उन्होंने कहा कि आवाज़ तो उठाइएगा ही, और हम सोचे कि चलिए ठीक है। क्या नाम है? हरिंदर कुमार सिंह। क्या दिक्कत? फादर का सर ऑक्सीजन लेवल जो कमी है, स्कैन सेन के यहाँ दिखाए गए, वहाँ रेफर किए थे सर। रेफर करने के बाद सदर अस्पताल में आए, ऑक्सीजन तो मिला लेकिन बेड भी नहीं मिला, पीछे नीचे बैठा कर किसी तरह उनको ऑक्सीजन चढ़ाया। बेड भी नहीं मिला, नीचे बैठा कर ऑक्सीजन चढ़ाया, सुता कर उनको ऑक्सीजन गए। बाद में जोते जोते अपने से जो कराए तो देखे खाली होते, यहाँ लेकर भर्ती कराए। भर्ती कराने के बाद ऑक्सीजन लेवल जो है कोई नहीं देखने आता है कितना पर टेम्परेचर चाहिए, करना चाहिए। हाँ। अपने से जो बुझा रहा है आदमी कर रहा है, नहीं विधि व्यवस्था कोई पर पैखाना का है, न नलकूप कोई चलता है, न पैखाना में न पानी की व्यवस्था है, न बेड अच्छा है, न ही किसी तरह की कोई डॉक्टर नर्स को नहीं, कोई डॉक्टर नर्स देखने भी नहीं आते हैं। सिर्फ इंजेक्शन देने के समय में आती है और इंजेक्शन दे करके चली जाती है, इसके बाद न डॉक्टर न कोई अटेंडेंट न कोई भी नहीं आता है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था। कैसे चल रहा है फिर सब कुछ? भगवान भरोसे, भगवान भरोसे, अपने आप से जो भगवान भरोसे, नीतीश जी के भरोसे नहीं चल रहा है, नीतीश जी के भरोसे नहीं चल रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि बिहार का स्वर्ग बना दिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो सुविधा सबसे नीचे के स्तर तक पहुँचे तब ना। ये तो जिला अस्पताल है और प्रखंड के जितने भी छोटे छोटे अस्पताल हैं वहाँ क्या स्थिति होगी, ये तो सोचने वाली बात है। एक गए थे वो तो खुलवे नहीं क्या बहुत जगह? हाँ नहीं खुलेगा, क्यों खुलेगा? क्योंकि उसको तो वेतन लेना है सिर्फ, सरकारी नौकरी आज के तारीख में किस लिए खोज रहा है लोग, यही वजह है। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं करना है, काम नहीं करना है, वेतन लेना है बस। ठीक बोल रहे हैं या सर? ये ठीक बोल रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है आप? नहीं तुम आती है सिस्टर, सुबह हमें एक सुई देती है, अभी तक कोई सिस्टर भी नहीं आई है कि मेरी माँ की सुई पर है, अभी तक कोई नहीं आई है। दवा का कोई बाहर से ले आते हैं, यहाँ एक चलाया जाए, कौन सी दवा चलाया जाए, दवा लिखा जाए, दवा को चलाया जाए, इसके बस केवल लोग सुई देने के लिए बस आते हैं, और कोई दवा चलाए या ना चलाए इसके लिए कोई उनको कोई जिम्मेवारी नहीं है सर। चाचा एक मिनट, क्या नाम है आपका? सुनिए ना, क्या नाम है? एक मिनट सुनिए ना, बस ये पूछना चाहते हैं आपसे, आपके कोई बोला है क्या कि जब कोई मीडिया वीडियो वाला आएगा तो उसको नहीं घुसने देना? नहीं मीडिया वाला हम नहीं बात कर रहे। क्या बोल रहे हैं? हम नहीं बात कर रहे हैं, हम नहीं बात करेंगे भाई। अच्छा सर, बात नहीं करना चाहते हैं। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक चलेगा ऐसा कोई हिसाब नहीं है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के लिए शाम्भवी शर्मा है, बहुत बहुत धन्यवाद।